अरे बुद्धदेव घबराओ मत, तुम्हारे मम्मी पापा कल शाम तक वापस आ जाएंगे, तब तक हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। लेकिन आप होमवर्क तो नहीं दोगे ना? अरे होमवर्क तो स्कूल में देते हैं, और आज तुम हमारे मेहमान हो। बुद्ध जाओ जाकर फ्रेश हो लो, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म हलवा लेकर आता हूँ। तू यहाँ क्या कर रहा है? धीरे बोल। लेकिन तू यहाँ आया क्यों है? ये देखने कि राठी सर तेरा ख्याल ठीक से रख रहे हैं या नहीं। राठी सर तो मेरे लिए गाजर का हलवा बना रहे हैं। गाजर का हलवा? रे तुम लोग, तुम अकेले ही लाठी तल के गेस्ट बनकर क्लीट ले लेते थे, तो हमने धोता कि हम भी तले आए। ये लो आ गया गर्मा गर्म हलवा। लाठी तल आ गए, तुम लोग कहीं छुप जाओ जल्दी। ये लो गर्मा गर्म हलवा खाओ। थैंक यू सर। कहो कैसा लगा हलवा? एकदम लल्लन टॉप। क्या मतलब एकदम टॉप क्लास? तुम ये खाओ, मैं तब तक दूध लेकर आता हूँ तुम्हारे लिए। अरे वाह बुद्ध, इतना सारा हलवा इतनी जल्दी खा गए तुम। हाँ आपने हलवा बड़ा अच्छा जो बनाया था। तुम्हें खाना है तो और लाऊं? हाँ ले आइए ले आइए। ये तो बद्री की आवाज है। नहीं सर मैंने ही कहा ले आइए ले आइए। ठीक है मैं और हलवा लेकर आता हूँ। अरे सर ने देख लिया तो सब फंस जाएंगे। अरे तू चिंता मत कर, हम तेरी मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं आने देंगे। हाँ तू हमारी मेहमान नवाजी में कमी मत आने देना। अरे वाह ये तो तुम लोगों की जबरदस्ती है, मान ना मान मैं तेरा मेहमान। अरे ये कहावत तो आज चेंज हो गई है, मान ना मान हम तो खाएंगे पकवान। ये लो बुद्ध। सर आप तो सच में मुझे मेरे मम्मी पापा की याद भी नहीं आने दे रहे। थैंक यू थैंक यू। अरे वाह तुमने तो दूध भी एक झटके में पी लिया। वो तो जीवा ने पिया है। जीवा ने? मतलब दूध तो जीवा ने सबसे ज्यादा पिया है, तभी तो उसमें इतनी ताकत है। दूध से बॉडी में बहुत ताकत आती है, इसीलिए एक झटके में पी गया। अरे आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। क्या मतलब खाना ठीक से नहीं खाता? आज तो बुद्ध हलवे की पूरी प्लेट एक झटके में खा गया है। अरे खाएगा कैसे नहीं, प्रिंसिपल हैं हम। अरे सब खा गया, पेट भर गया या कुछ और खाओगे? नहीं सर। सर मैंने बहुत खा लिया, अब मुझे नींद आ रही है। ठीक है तो तुम ऊपर वाले बेडरूम में जाकर सो जाओ। हाँ ऊपर जाकर लेफ्ट में। और हाँ सुनो, तुम्हें अकेले डर तो नहीं लगेगा? डर क्यों लगेगा सर, सब लोग हैं ना। सब लोग? सब लोग नहीं, सब लॉक है ना, तो फिर क्या डरना। वाह मेरे बहादुर शेर। गुड नाइट सर। गुड नाइट गुड नाइट। और हाँ सुनो स्वीट ड्रीम्स भी। हलवा खाया है तो ड्रीम स्वीट ही आएंगे। अरे
है बुध। सर वापस आ गए यार, थल तो टीटिंग कर ले, गुड नाइट बोलने के बाद वापस क्यों आए? अरे चुप हो जाओ और जल्दी से चुप जाओ। बुध, सुबह 6 बजे का अलार्म लगा देना, स्कूल के लिए देर नहीं होनी चाहिए। ठीक है सर। और राठी सर के बहादुर शेर बिठाला अथे बत्तों की तरह जल्दी थोने डाला है। तुझे सोना है तो सो जा, लेकिन हम तो आज रात फुल पार्टी करेंगे, धमाल मचाएंगे। अरे हम ना सोएंगे और ना किसी को सोने देंगे। तो चलो बजाओ म्यूजिक। अरे इतना तेज म्यूजिक कहाँ बज रहा है? पार्टी चलेगी टिल सिक्स इन द मॉर्निंग। ये आवाज तो बुध के रूम से आ रही है। कमाल है, यहाँ तो कोई गाना नहीं बज रहा है। तो पार्टी शुरू हुई है। अरे फिर से गाने की आवाज। लगता है मेरे कान बज रहे हैं आज। लगता है यहाँ बुध के अलावा भी कोई है। वो जो भी है अब मेरी नजर से नहीं बच पाएगा, क्योंकि प्रिंसिपल हैं हम। दोस्त, हम लोग डांस करते करते थक गए। हाँ, लेकिन अब कोई शोर मत करना, क्योंकि मैं सुसु करने जा रहा हूँ। तू जल्दी जा और जल्दी आ, ठीक है? अरे ये बुध कहाँ रह गया? अरे जब इतना हलवा खाएगा तो टाइम भी तो लगाएगा। अरे कहाँ रह गया था तू? मुझे तो लग रहा था कि शायद राठी सर ने तुझे पकड़ लिया है। अरे राठी सर ने नहीं पकड़ा, बल्कि मैंने राठी सर को पकड़ लिया। हैं? वो कैसे? राठी सर के डाइनिंग रूम में एक बड़ा सा पिज्जा रखा है, जो उन्होंने हमसे मेरा मतलब मेरे से छुपा कर रखा हुआ है अभी तक। हाँ चलो पिज्जा पे करें अटैक। तो, लग गई ना सबकी क्लास। हम पहले ही समझ गए थे तुम्हारी चाल को, क्योंकि प्रिंसिपल हैं हम। अरे डोंट से सॉरी और नहीं कोई वरी। तुम लोगों को भी घर पे आना था तो बता देते, ऐसे छुप छुप के आने की क्या जरूरत थी? कोई बात नहीं, तुम लोग जब ऊपर थे तब हमने और बुध ने ये प्लान बनाया था कि क्यों इतना सब खा के भी तुम्हारा पेट नहीं भरा? नहीं सर। साफ साफ बताओ और किस किस को बुलाया है तुमने मेरे घर में? सर, बद्री, ज्ञान, जीवा, करण और सबीना। इतने सब लोग आए और मुझे बताया तक नहीं, तुम्हें क्या लगा प्रिंसिपल पिज्जा खिलाएंगे? नहीं सर, वो तो। अरे सर के घर पे आए हो तो सर पिज्जा खिलाएंगे, जाओ जाकर सबको बिना बताए यहाँ ले आओ। और इस तरह तुम सबकी क्लास लग गई। लेकिन सर पिज्जा कहाँ है?
ये लो पिज्जा का नाम लिया और पिज्जा भी आ गया। दोस्त ये पानी में हलचल कैसी हो रही है? लगता है पानी को कोई गुदगुदी कर रहा है। अरे अरे ये तो मछली थी। तूने हाथ में आया हुआ मौका छोड़ दिया, मछली खुद आके तेरे हाथ में फंस गई थी। वो मेरे हाथ में नहीं फंसी थी बल्कि ये रिंग उसके गले में फंस गई थी। अरे वाह ये तो बहुत मस्त है। लगता है मछली की एंगेजमेंट की रिंग है। हाँ दिखा, आज से तेरी एंगेजमेंट मछली से हो गई। मजाक छोड़ यार, मुझे तो बहुत भूख लगी है, काश कुछ खाने को मिल जाए। ये देख तूने लिया नाम और टपक गया आम। यार पार्टनर तुझे रॉकेट को भी आज ही घर छोड़ के आना था क्या? देखना पैदल चलते चलते मुझे भी भूख लग गई। काश कुछ और अच्छा सा खाने को मिल जाए। अरे वाह ये तो एक्शन रिप्ले हो गया, तूने लिया खाने का नाम और पिज्जा गिरा दिया धड़ाम। तो देख क्या रहा है गुरु, हो जा शुरू। इतना पिज्जा खा लिया, अब मेरी पैदल चलने की बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, काश कोई हमें गाड़ी में बिठा कर ले जाए। अरे छोरो आज फिर लेट आओगे क्या स्कूल में? सर ये आज साइकिल नहीं लाया क्योंकि हमारी रॉकेट आज बीमार है। अच्छा कोई बात नहीं, हमारे पास कार है, आओ बैठो। चलो अब जल्दी से क्लास में जाओ और मन लगाकर पढ़ाई करना। यस सर। दोस्त तूने देखा? हाँ राठी सर की कार में एक डॉल रखी थी। अरे मैं डॉल की नहीं खाने और आने की बात कर रहा हूँ। सुबह हमने जिसका नाम लिया वो चीज हमें मिल गई। जरूर कुछ तो गड़बड़ है। अरे ऐसा कुछ नहीं है जो तू सोच रहा है, चल। सुबह कितना अच्छा पिज्जा खाया और अब वही घास फूस खानी पड़ेगी। काश इस टिफिन में भी केक निकल आए। अरे देख टिफिन में केक दिया मम्मी ने। देख मैंने कहा था ना तुझे हम जो भी विश कर रहे हैं वो पूरी हो रही है। रुक मैं विश करता हूँ, काश मेरे टिफिन में रसगुल्ले निकल आए। मांगा था रसगुल्ला और निकला करेला। लगता है सिर्फ तेरी विश पूरी हो रही है, कुछ तो है तेरे पास। ओ, कहीं ये रिंग का कमाल तो नहीं? एक मिनट मुझे दे मैं ट्राई करता हूँ। काश मुझे खाने के लिए रसगुल्ला मिल जाए। आज टिफिन में क्या लाए हो? ओ वाह करेले की सब्जी मेरी फेवरेट है। तो मुझे ये करेले की सब्जी दे दो। हाँ? और अगर चाहो तो ये रसगुल्ले ले लो। रसगुल्ले? हाँ हाँ क्यों नहीं, ये लो तुम मेरा टिफिन लो। थैंक यू बद्री। पार्टनर तूने देखा? हाँ यार चार रसगुल्ले हैं उसमें, दो तेरे और दो मेरे। अरे रसगुल्ले नहीं रिंग, मैंने रिंग पहनी और मेरी विश पूरी हो गई। हाँ अब तो हम जो चाहे मांग सकते हैं। टीम ड्रैगन का कैप्टन जीवा और टीम रॉकेट का कैप्टन बद्री, अब मैं टॉस करूंगी।
बोलो हेड्स होटल। मैं बोलूँगा हेड। देखा, आज तो टॉट भी हमने ही दीता है और आज की मैच भी टीम ड्रैगन ही जीतेगी। वो तो देख लेंगे। हम पहले बैटिंग करेंगे, चलो फील्डिंग करो। और ये मैच के पहले ही बॉल पे सिक्स। ये तो बस शुरुआत है। शहजादा देख लिया, जीवा जब बैटिंग करता है तो बले बले बॉलरों की बैंड बजा देता है। कंट्रोल जीवा कंट्रोल, अभी मेरी बैटिंग बाकी है। चलो देखता हूँ मेरी बॉलिंग पे कैसे खेलते हो तुम लोग। तूने हाफ सेंचुरी बनाने की विश मांगी थी? हाँ, तभी तो बन गई। मैच जीतने की विश मांग? हाँ, सही कहा तूने। मैं ये विश करता हूँ कि हम ये मैच जीत जाएं। अब टीम रॉकेट को जीतने के लिए एक बॉल में छह रन की जरूरत है। पार्टनर, एक बॉल पे छह रन चाहिए। अरे डर मत, अपनी लकी रिंग है ना। अरे एक बॉल पे सिक्स रन बड़े बड़े बैट्समैन नहीं बना पाते, तुम क्या बना पाओगे? कैच अप जीवा, पकड़ ले जीवा। ऐसे कैसे हो गया? ए जीवा, जरा नीचे भी देख। जीवा ने बाउंड्री के बाहर कैच पकड़ा, इसलिए बद्री नॉट आउट है और ये है सिक्स। दोस्त, जीवा ये कभी नहीं समझ पाएगा कि हम ये मैच कैसे जीत गए। हाँ, सब इस लकी रिंग का कमाल है। ओ, ये बात है, अब इनकी ये लकी रिंग मुझे फुटबॉल मैच दिताएगी। कॉन्ग्रेचुलेशन बदली और बुध, बहुत अच्छे खेले तुम। ताए, ताए। लेकिन रिंग कौन ले गया? पता नहीं दोस्त, मैंने तो वॉश बेसिन पे रखी थी। क्या हुआ, ऐसे दुखी आत्मा क्यों बन गए हो? कहीं फुटबॉल मैच पे दल तो नहीं गए? हेलो, टाइम हो गया मैच का। बिना अपनी रिंग के तो जीवा हमें कच्चा चबा जाएगा। लेकिन क्या करे, मैच तो हमें खेलना ही पड़ेगा। आज तो जीत मेली होगी। अरे वो देख, हमारी लकी रिंग जीवा की उंगली में है। काट, ये मैच मैं जीत जाऊं। तब तो हमारा जीतना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। कोई बात नहीं दोस्त, हम फिर भी खेलेंगे जी जान से। और एक गोल बचा लिया। Hey!
बहुत बढ़िया, तूने तो आज नाक कटने से बचा दी। अरे लेकिन मेरी नाक तो पिचक गई ना। हमारे पास लकी रिंग नहीं थी, हम फिर भी जीत गए। और जीवा के पास थी लेकिन वो फिर भी हार गया। मतलब जीतने के लिए डेयरिंग चाहिए, कोई लकी रिंग नहीं। ये थप इथलिंग की वजह से हुआ है ना, मैं इतके बलोते लेता और ना मैं हालता। आज तो ये बदबू लाते। पार्टनर लगता है आज हम हार जाएंगे। अरे ऐसे कैसे हारेंगे, मैं हूँ ना। जोर लगा के ये चीटिंग है, यू चीटर्स। मुझे जीतने का सपना मत देखना, जीवा की जीते हालता नहीं है समझे। हम जीत गए। अरे क्या जीत गए तुम दोनों? साइकिल रेस में हमने सबको हरा दिया। हाँ, हमारी रॉकेट ने आज फिर से साबित कर दिया कि वो साइकिल नहीं सच में रॉकेट है। पर तुम्हारी रॉकेट है कहाँ? अरे कैंटीन में हम क्या उसे टिफिन खिलाने लाएंगे? उसे तो हम पार्किंग में खड़ी करके आए हैं। लेकिन मैं तो अभी वहाँ से आ रहा हूँ, मुझे वहाँ रॉकेट नहीं दिखी। दोस्त तूने रॉकेट कहाँ लगाई थी? मैंने कहाँ लगाई, रॉकेट तो तेरे पास थी, मैं तो तेरे साथ डांस कर रहा था। डांस तो मैं भी कर रहा था। अरे याद कर, रॉकेट गई कहाँ? हम जीवा को रेस हरा कर स्कूल पहुँचे, फिर हम डांस करते हुए अंदर गए और हमने रॉकेट को, अरे हमने रॉकेट को स्कूल के बाहर ही छोड़ दिया। पार्टनर यही तो छोड़कर गए थे हम रॉकेट को। तो फिर यहाँ से गई कहाँ? पाटिल अंकल आपने रॉकेट को देखा क्या? रॉकेट? अभी रॉकेट किधर से आएगा बाबा, रॉकेट तो दिवाली में दिखता है ऊपर आसमान में। अरे हम उस रॉकेट की नहीं, अपनी साइकिल रॉकेट की बात कर रहे हैं। हम उसको यहीं पर बाहर छोड़कर गए थे। साइकिल भी कोई बाहर छोड़ने की चीज होती है? आजकल जमाना कैसा है पता है ना, कोई भी उठा कर ले गया होगा। कोई भी मतलब कौन ले गया? मेरे को क्या मालूम, हो सकता है कोई चोर आया हो और उठा कर ले गया हो। चोर? हाँ, यानी हमारी रॉकेट को किसी ने चुरा लिया है। दोस्त हमें उसे ढूंढना होगा। हाँ दोस्त चल ढूंढते। इतनी सारी साइकिल, हो सकता है इनमें से कोई हमारी रॉकेट हो। चल देखते हैं। अरे क्या कर रहे हो, कौन हो तुम लोग? सारी साइकिलें गिरा दी, अभी बताता हूँ, रुको। ज्ञान प्रेजेंट सर। बद्रीनाथ, बद्रीनाथ सर। बद्री और बुद्ध तो अपनी साइकिल ढूंढने स्कूल के बाहर गए हैं। क्या स्कूल के बाहर गए हैं? किसके परमिशन से? ये है जीनियस। इन दोनों की हरकतें तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। राठी सर को बताना ही पड़ेगा। ओए
जरूर इनमें से कोई एक रॉकेट होगी। ये देख कैसे खर्राटे मार रहा है। हाँ, बड़ा होकर मैं भी चौकीदारी बनूंगा, दिन में भी सोने को मिलेगा। इससे पहले कि ये जाग जाए, जल्दी से अपनी रॉकेट को ढूंढकर निकल लेते हैं। चुप हो जाओ। अरे मैं तो चुप ही हूँ। अरे तुझे नहीं, कौवे को बोल रहा हूँ। अरे बंद कर अपनी काय काय। दोस्त, इस पत्थर को उसके पास से उछालते ताकि वो डर के भाग जाए। ये तो अपनी रॉकेट का टायर लग रहा है। हाँ, लग तो मुझे भी रहा है। अरे देख, वो रही अपनी रॉकेट। ए रुको, इसे मत तोड़ो। रुकिए, ये हमारी रॉकेट है। रॉकेट? पर ये तो साइकिल है। हाँ, ये हमारी साइकिल है, इसे हम रॉकेट कहते हैं। इस पर इसका नाम रॉकेट लिखा भी होगा, देखो। इस पर तो कुछ नहीं लिखा है। एक मिनट रुको। क्या नाम लिखा हुआ था तुम लोगों की साइकिल पर? रॉकेट। और उसे दो दो सीट है, एक आगे और एक पीछे। दो सीट? हाँ, मैंने ऐसी साइकिल कुछ देर पहले किसी को इस रास्ते से ले जाते हुए देखी है। ये देख टायर के निशान। ये निशान तो रॉकेट के है दोस्त। हाँ, हमारी रॉकेट हमारे लिए निशान छोड़ गई है ताकि हम उसे आसानी से ढूंढ लें। ये देख, चोर हमारी रॉकेट को यहाँ से लेकर गया। वो देख, उस झोपड़ी के पीछे छुपाया है उस चोर ने हमारी रॉकेट को। चल आजा। मैंने सही कहा था, हमारी रॉकेट मिल गई। चल, इससे पहले कि चोर वापस आ जाए, इसे लेकर यहाँ से भाग जाते हैं। कौन हो तुम दोनों और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी साइकिल को छूने की? ये तुम्हारी साइकिल नहीं है, ये हमारी रॉकेट है। और अपनी रॉकेट को छूने के लिए हम किसी से परमिशन नहीं लेते, हम इसे वापस लेने आए हैं। ओह, ये मूंग और मसूर की दाल, ये मेरी साइकिल है, इसे ले जाना तो दूर, तुम लोग इसे अब दोबारा छू भी नहीं पाओगे। चलो भागो यहाँ से। चोर भी कितना बेवकूफ था, रॉकेट को पैदल पकड़ने की कोशिश कर रहा था। उसे क्या पता कि रॉकेट को पकड़ना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। बहुत शाने समझते हो ना खुद को। लेकिन पाटिल, तुम्हारे होते हुए उनकी साइकिल चोरी कैसे हो गई? सर, उन्होंने साइकिल बाहर छोड़ी थी। अगर अंदर होती तो मैं थोड़ी चोरी होने देता। पता नहीं बुद्ध और बद्री अपनी साइकिल को कहाँ कहाँ ढूंढ रहे होंगे। पाटिल, किस तरफ जाते हुए देखा था तुमने उन्हें? कहाँ थे तुम दोनों?
हम सब कितने? सर ये चोर है, इसने हमारी रॉकेट चुराई थी। हाँ सर, पकड़ लीजिए इसे। शाबाश बद्री और बुद्ध, ना सिर्फ तुम दोनों ने अपनी हिम्मत और होशियारी से अपनी चुराई हुई साइकिल ढूंढ निकाली, बल्कि तुम दोनों ने साइकिल चोर को भी पकड़ लिया। सर इस काम में हमारी साइकिल रॉकेट ने भी हमारा बहुत साथ दिया। हाँ सर, ये काम बिना रॉकेट के कभी पूरा नहीं कर पाते। वाह, देखना दुबे जी, ये दोनों एक दिन मंगल ग्रह पर जाकर इस स्कूल का नाम रोशन करेंगे। एक दिन क्यों? हमारा बस चले तो हम इन दोनों को आज ही मंगल ग्रह भेज दूं। सर आप भेजिए तो सही, हम मंगल पे भी दंगल कर देंगे। हाँ भाई बच्चों, आज पर्यावरण दिवस है। आज से मैं हरी भरी पाठशाला मिशन की शुरुआत करूँ हूँ। इसमें तुम सब ने स्कूल कैंपस को हरा भरा करना है भाई। मतलब हरी भरी पाठशाला। सर तो क्या हम स्कूल को हरा पेंट करेंगे? मजा आ जाएगा। हफ्ते ज्यादा तो मैं पेज तलूंगा ग्लीन ग्लीन। अरे चुप रहो, पूरी बात सुना करो फिर मुंह फुला करो। राठी सर का मतलब है स्कूल को पेड़ पौधों से हरा भरा करो, ना कि हरा रंग से पोत कर। हाँ तो बच्चों, आज मैं तुम सब ना एक एक गमला दूंगा जिसमें तुम सब ने एक एक बीज लगाना है, और जो पौधा सबसे बड़ा हुआ उस पौधे ने स्कूल गार्डन में प्लांट करेंगे भाई। हाँ, और उस पौधे का नाम रखा जाएगा विनिंग स्टूडेंट के नाम पर। और फिर सालों बाद भी स्टूडेंट्स बोलेंगे वो देखो सबीना का पेड़, जीबा का पेड़, और ज्ञान का पेड़, बद्री और बुद्ध का पेड़, होगा बदबू का पेड़। हाँ तो भाई पहले शांति और बाद में हरी भरी क्रांति। अब तुम सब ने 10 दिन का समय दिया जाएगा, अपने अपने पौधे ने खिलाओ पिलाओ और बढ़िया से बड़ा करो भाई। हे तुल्य देवता, ये पानी पी दिए और आप मेरे प्लांट को लौटनी दे दिए, ताकि मेरा प्लांट हफ्ते बड़ा हो और ये मेरा नाम लौटन करे। शहजादा पार्टनर, हमें तो ये कंपटीशन जीतना ही होगा। स्कूल के पेड़ को हमारा ही नाम मिलना चाहिए। पर हम करें क्या जिससे हमारा पेड़ जल्दी उग जाए और हट्टा कट्टा लंबा तगड़ा हो? हाँ एकदम किसी हीरो की तरह, सलमान, आमिर, शाहरुख। सिक्स पैक्स भी होने चाहिए। एकदम लल्लटा। पार्टनर सुना है गोबर पेड़ों के लिए बहुत अच्छा होता है। किसका गोबर? कुत्ते का, बिल्ली का या चिड़िया का? अरे नहीं, भैंस का। चल अपनी वाली भैंस से लेते हैं थोड़ा सा गोबर उधार। बद्री और कितना टाइम लगेगा? सुबह से शाम हो गई। हाँ पार्टनर, यूज करते हैं आइडिया नंबर 3, भैंस के आगे बजाओ बीन। अरे ये तो काम कर गया। जोर से बजाओ, जोर से बजाओ। और दे भैंस मैया, और दे। पार्टनर इससे अपना पौधा जीवा से भी बड़ा होगा ना? हाँ हाँ, जीवा से क्या, दुबे जी का पौधा से भी बहुत बड़ा होगा। और नहीं हुआ तो ये गोबर उठा के जीवा के मुंह पे मारेंगे। ये कब बड़ा होगा पार्टनर? कोई ट्रिक करना।
पार्टनर तू बीन क्यों बजा रहा है? मुझे पार्टी आ रही है। देख पार्टनर, अगर बीन बजाने से सांप बिल से बाहर निकलकर डांस करता है तो हो सकता है पौधा भी बाहर निकलकर डांस करने लगे। वेरी गुड आइडिया, तू तो बहुत होशियार है पार्टनर। होशियार तो मैं बचपन से हूँ पार्टनर, पर कभी घमंड नहीं किया। शहजादा, ये जीवा को देख, खा खा के कितना मोटा हो गया है। इतने नूडल्स खाएगा तो मोटा ही होगा ना। यस, अगर जीवा नूडल खा के मोटा हो सकता है तो पौधा भी तो नूडल खा खा के बड़ा और मोटा हो सकता है जीवा की तरह। ये वेज मंचूरियन और हाका नूडल, अब देख पौधा कैसे बड़ा होता है। वाह, तेरा दिमाग इतना तेज कैसे चलता है पार्टनर। पार्टनर, मैं च्यवनप्राश खाता हूँ ना, इसलिए। चल प्लांट को भी च्यवनप्राश देते हैं। मुझे भी थोड़ा दे ना च्यवनप्राश। च्यवनप्राश नहीं, च्यवनप्राश। पहले नूडल खाएगा, फिर मंचूरियन और फिर चमन, नहीं च्यवनप्राश, एकदम ललंटा। एक फीट पांच इंच, बहुत है मेरे नन्हे जीवा, ये कॉम्पिटिशन तो तू ही जीतेगा। 9 inches only, इसे और बड़ा करने के लिए लगता है इसे जोर से खींचना पड़ेगा। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। बोलो गमले महाराज की जय, बोलो पौधे महाराज की जय। रमेश नाप तो जरा, 1 foot ही हुआ है। मतलब 12:15 बजे 10 milligrams देना होगा। ओके। कितना क्यूट है ये छोटा छोटा नन्ना नन्ना। यस, बिल्कुल सेरीज की तरह। पार्टनर, लगता है ऐसे चाइनीज पसंद नहीं, ये तो बाहर ही नहीं निकल रहा। हाँ, मेरी तरह ऐसे भी पिज्जा पसंद होगा। हाँ पार्टनर, पिज्जा बर्गर पास्ता खिलाते हैं इसे, मजा आएगा। वाह, कोल्ड ड्रिंक, फ्रेश लाइम सोडा, आइसक्रीम। आइसक्रीम इधर दे। पार्टनर, अगर इसे जंक फूड पसंद नहीं होगा तो ये ले, थोड़ा इडली सांभर, नारियल चटनी भी डाल देते हैं। डाल दे, नारियल के पेड़ की तरह लंबा हो जाएगा। वाओ, मेरा पेड़ सबसे बड़ा होगा। वाओ, कितना बड़ा हो गया ना, सो स्वीट। अरे ईद बाल तो मैं ही दी दूंगा, मेरा पेड़ थपते बड़ा होगा। सबके पौधे बढ़ रहे हैं, अपना क्यों नहीं बढ़ रहा? कहीं भैंस के गोबर में तो प्रॉब्लम नहीं थी? हो सकता है कि भैंस का पेट खराब हो, किसी ने बासी बर्गर खिलाया होगा। के गमला भी मोटा हो गया, पर पौधा बाहर नहीं आया। कुछ तो गड़बड़ हुई है पार्टनर। गजब है भाई, यो तो चमत्कार हो लिया। पर ये इतनी बदबू किससे आ रही है? लातीतल, ये बदबू वहाँ थे आ रही है, बद और बू वाले है। बद माने बदलीनाथ और बू मतलब बुद्ध देव। साइलेंस, नो वायलेंस। अरे तुम दोनों ने पौधा उगाने के लिए बोला था, यो के कचरा उगा लिया है, और गमला किस है तुम्हारा? सर, इसके अंदर गमला है, बाहर तो गोबर है। ऐसी बात? फिर मैं हरी भरी पाठशाला के विनर का नाम अनाउंस करने जा रहा हूँ, और उसका नाम है अरे दुबे जी, जो मने दिख रहा है वो तने भी दिख रहा है के भाई? अरे दिख रहा है सर जी। अरे इन दोनों से इतना बड़ा अचीवमेंट कैसे हो गया? सच में पौधा निकल आया, गजब हो गया। पर सर, जीबा का पौधा ही सबसे बड़ा है। हाँ, तो सिंपल है, हमारा जीवा हुआ विनर। हेले नन्ने जीवा, तूने मुझे जिता दिया, बहुत है। अरे डट जा, ठहर जा, स्टोरी में थोड़ा ट्विस्ट है भाई। मैंने तुम लोगों को बीज दिया था कैक्टस का, पर तुम लोगों ने उगाए अपने अपने पेड़। रोज, लिली, तुलसी
नीम, आम और जीवा तेरा कोकोनट। अरे भाई भाई यो कैसे हो लिया? तोली थल, बहुत दिन होने के बाद भी पौधा नहीं निकला, तो मैंने पौधा तेन तल लिया कॉम्पिटिशन जीतने के लिए। अरे तो क्या तुमने यही सिखाया है उरे? कॉम्पिटिशन जीतने के लिए चीटिंग करोगे? सिर्फ इन दोनों के पेड़ सही है, पूरी मेहनत करके इन दोनों ने उगाया यो कैक्टस का पेड़। गजब, पहली बार सिर्फ बद्री और बुद्धदेव ने टास्क पूरा किया। हाँ तो इसका ये मतलब हो लिया कि कॉम्पिटिशन के विनर हैं बुद्ध और बद्री। अरे भाई तालियां। तो सर आपके हाथों से ही इसको गार्डन में प्लांट करते हैं? वाह क्यों नहीं, अरे भाई प्रिंसिपल है हम। भाई वाह, आई एम प्राउड ऑफ यू छोरो। आज से यो पेड़ तुम दोनों के नाम से जाना जाएगा, बद्रीनाथ और बुद्धदेव का पेड़। पार्टनर, आज से स्कूल में दो बद्रीनाथ और बुद्धदेव है। लल्लंदर। बदबुद्ध और बुड़बक नॉन स्टॉप बड़बड़ बदबक, बदमाशी की बीन बजाए खाली पीली सर खा जाए। पढ़ने में है टप्पा गोल, स्कूल में हरदम करते झोल, मुर्गा खुद ये बनते हैं बकरा सबको बनाते हैं। ओ दिन भर नोटी शॉटी रात को सपनों में डर आए, जिनको समझना आए जाकर अपना ब्रेन खुजाए। अरे खाना है? नहीं कचरा है। प्लेट में रखा हो खाना तो जैसे प्रसाद, नीचे गिर गया तो हुआ बर्बाद। सही कह रहा हूँ कि नहीं दोस्त? यस दोस्त, मगर चल स्कूल के लिए लेट हो रहे हैं, रॉकेट पे जाना पड़ेगा। रॉकेट पे जाएंगे स्कूल उड़ के। डन 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 डन। जी पूरा शहर कचरे से भरा है। तेरी नाक भी तो कचरे से भरी है। नाक को तो मैं रोज साफ करता हूँ, पर इस शहर को कौन साफ करेगा? अरे इससे हमें क्या लेना देना, हमारे घर के अंदर थोड़ी ही पड़ा है कचरा। हाँ बस अपना कचरा घर के बाहर पड़ोस में फेंको और मस्त रहो। हाँ हाँ, वैसे भी बहुत कम है, कंप्यूटर गेम में मेगा रोबोट से लड़के दुनिया को जब बचाना है। लेवल 9 की रोबोट दुनिया को खत्म कर। अरे कौन है? कचरे को कचरे के डिब्बे में फेंका जाता है, पता नहीं है क्या? वही तो फेंका है मैंने, तुम दोनों का सल कतले का डब्बा ही तो है। फ्रेंड ये जीवा तो मेगा रोबोट से भी ज्यादा इविल है। यस फ्रेंड, लगता है इसको साफ करना पड़ेगा। हे कबड्डी कबड्डी कबड्डी, हम तोड़ेंगे तेरी हड्डी। अरे फ्रेंड धीरे चलो धीरे चलो, रॉकेट नीचे जा रही है, हम सीधा ऊपर जाएंगे। अरे रॉकेट के ब्रेक नहीं लग रहे, हजार बार बोला इसको ठीक करवा दे। पिछली बार मैंने ठीक करवाई थी ना, इस बार ठीक करवाने की बारी तेरी थी। क्या मुझे ठीक करवाने थी? ऐसा कैसे हो सकता है, गेम खेलते वक्त मेरी बारी याद नहीं आती? जब मेरी बारी होती है तो मेरी बंदूक उठा के रोबोट्स को मारता है। सामने देख भैंस। भैंस तू, भैंस तेरा सर। अरे बताया क्यों नहीं, सामने भैंस है। बोला तो तुझे भैंस। भैंस तू, भैंस तेरा सर। स्टूडेंट्स आज सब ने सफाई अभियान में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। टीचर्स तुम लोग आना अलग अलग टीम में डिवाइड करेंगे और जो टीम के पास सबसे ज्यादा कचरा मिलेगा उसने प्राइज मिलेगा मारी तरफ से। बेस्ट ऑफ द लक। मेगा रोबोट विलेन कचरा कंपटीशन करवा रहा है स्कूल में। सबसे पहले तो हम जीवा को उठा के डस्टबिन में डाल देंगे। सर वहाँ देखिए, सबसे ज्यादा कचरा फैलाने वाले वो दो शैतान। अरे किसकी बात कर रहे हैं दुबे? बुद्धदेव और बद्रीनाथ की। हाँ सर, आज सफाई अभियान में तुम दोनों खुद ने पूरा साफ कर लोगे तो भी तुमको फर्स्ट प्राइज मिल जाएगा।
मन में समझ ना आवे इतना कचरा लाओ कहाँ से तुम दोनों। सर हम स्कूल के बाहर कचरा साफ कर रहे थे इसलिए गंदे और लेट हो गए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया काम किया से भाई। मन ने यही जोश चाहे हर एक स्टूडेंट से। सफाई अभियान का स्लोगन मन ने लिखा से, करो सबकी सफाई होगी धरती माता की भलाई। तीन चीयर्स फॉर सफाई अभियान। हिप हिप हुरे, हिप हिप हुरे, हिप हिप हुरे। दैट इज द जोश जो मन ने पसंद से। ईब मैं एक मीटिंग अटेंड करने जा रहा हूँ और जब मैं लौटूंगा तब बेस्ट टीम ने फर्स्ट प्राइज दूंगा। अब हम कैसे जीतेंगे? स्कूल का सबसे बड़ा कचरा तो बाहर जा रहा है। बेस्ट ऑफ द लक्स। ये कंपटीशन किसी भी हालत में जीतना है। लेकिन हम तो कचरा फैलाने में उस्ताद है, ये काम हमसे नहीं हो पाएगा। जीतना हमारे खून में है पार्टनर, ऐसे नहीं तो वैसे जीत कर रहेंगे। प्लान क्या है फ्रेंड? जो सबसे ज्यादा कचरा इकट्ठा करेगा हम उसका कचरा चुरा लेंगे। तैयार हो जाओ दोस्त। जब से पैदा हुआ हूँ तैयार ही हूँ। सुसु क्या करना है? पानी का झरना है। हमसे नहीं लड़ना है, हमसे बस डरना है। कोई बड़ा हाथ मारना होगा, एक बार में सारा काम तमाम। वो रहा हमारा शिकार। चुपके से जा और सब चुरा ले। ये स्कूल साफ करेंगे और हम इनका कचरा साफ करेंगे। वो हमारा कचरा है। क्यों, नाम लिखा है क्या इसमें तुम्हारा? हैं? लिखा है ना, देखो नीचे। चूजो हमसे उस्तादी। इन्होंने हमारा सारा कचरा मिट्टी में मिला दिया। चलो कहीं और हाथ साफ करते हैं। कोई और तरीका ढूंढना होगा। तू तरीकों के बाप के साथ है, फिक्र मत कर। वो देख सामने क्या है? केले का छिलका जो तूने खा के फेंका। केले का छिलका नहीं बेवकूफ, कचरा। तो निकाल अपने केले, छिलके फेंक और हम अपना कचरा खुद ही बनाते हैं। ये हमारा कचरा है, वापस करो। फाइंडर्स कीपर्स लूजर्स वीपर्स। अंग्रेजी का आक्रमण। जान बचा के भाग। हे कम हियर, टेक इट, वी वर ओनली किडिंग। ये रहा हमारा खजाना। हाँ, पूरी कायनात हमें इससे मिलाना चाह रही थी, इसलिए बाकी कोई कचरा हमारे पास टिक ही नहीं पाया। अरे ज्यादा बॉलीवुड मत मार, उठा ले इससे पहले कोई और आ जाए। हाथ मत लगाना, ये ततला मेला है। क्यों, तुम दोनों एक ही फैमिली के हो क्या? हाँ, जीवा की शक्ल भी डस्टबिन की तरह है। Yeah.
रुद्रदेव और बद्रीनाथ। आखिर रंगे हाथों पकड़े गए दोनों। इस स्कूल की असली गंदगी तो यू टू हो, अब यू टू को कोई नहीं बचा सकता। नहीं करूंगा तुमको माफ, सारे स्कूल का कचरा यू टू करोगे साफ। ओनली बोथ ऑफ यू टू विल डू। बहुत जीतना था ना तुझे, अब तेरी वजह से ये सारा कचरा हमें साफ करना पड़ रहा है। देख, मुझे जीतना था, सफाई नहीं करनी थी, सब तेरी वजह से हुआ। सफाई शुरू करते हो या गाल लाल करूं दोनों के? जीवा ते नहीं करो कोई फाइट, जीवा सब की कर देगा हुआ ताई। अरे दुबे, ये सब क्या हो रहा है भाई? बस दो बच्चे कर रहे हैं साफ सफाई का काम और तुम सब कर रहे हो आराम। बहुत ना इंसाफी है भाई। सर आप गलत वक्त पे आए। मिस्टर दुबे, अब तुम मुझे टाइम देखना सिखाएगा? नहीं सर, अब मेरा मतलब था बस। मेरी आंखों ने देखा सच क्या है भाई। ये दोनों बच्चे सफाई कर रहे हैं और सुबह से सफाई कर रहे हैं, स्कूल के अंदर कर रहे हैं, स्कूल के बाहर कर रहे हैं। कितने अच्छे बच्चे हैं, कितने चोखे छोरे हैं ये। मैं प्राइज इनको देता हूँ, प्राइज में फर्स्ट, इनकी टीम जबरदस्त। ले जा भाई। दोस्त, इस कप का क्या करेंगे? इसे अपना नया डस्टबिन बनाएंगे। लेकिन तुझे तो सफाई अच्छी नहीं लगती। मैंने कब कहा कचरा इसमें डालेंगे, वो तो घर के बाहर ही फेंकेंगे, आस पड़ोस में, दूसरों के घर के सामने। रुक, ट्रॉफी गिर गई। ये तो वही भैंस है, जाकर ले आ अपनी ट्रॉफी। मैं नहीं जाऊंगा, तू जा। पार्टनर, आज तेरी बारी है। मेरी नहीं, तेरी। तेरी 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 बोला ना, तेरी तेरी मेरी ना, तेरी आज भैंस की। हाँ, वैसे भी शहर का सारा कचरा यही तो साफ करती है। हाँ पार्टनर, तो ट्रॉफी भी इसकी। हाँ, चलो तो फिर 3 cheers फॉर भैंस। हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे। किस गहरी सोच में डूबा है पार्टनर? मैं इस रूटीन लाइफ से बोर हो गया हूँ। वही रोज सुबह उठो, टूथब्रश करो, नहाओ, कपड़े पहनो और स्कूल जाओ। मैं भी यही बात कल सोच रहा था। इस प्रॉब्लम का कुछ तो सलूशन होना चाहिए। करेक्ट, मैं कुछ सोचता हूँ। नहीं पार्टनर, तू साइकिल चलाने का काम कर, सोचने का काम मैं करता हूँ। पार्टनर, ये घंटी कौन बजा रहा है? घंटी? क्या तुझे घंटी की आवाज सुनाई नहीं दे रही? नहीं। एक मिनट पार्टनर, ये घंटी है सारी प्रॉब्लम की जड़। अगर घंटी ना हो ना, तो स्कूल शुरू ही ना हो। यस पार्टनर, घंटी की वजह से ही एक के बाद एक बोरिंग पीरियड शुरू होते हैं। मगर हम करेंगे क्या? यो बात है, यो ठीक लग रहा है। अरे प्रिंसिपल है हम, प्रिंसिपल है हम, प्रिंसिपल है हम। अच्छा तो लग रहा है, पर अगर विग पहन लिया तो सारे बालक हंसेंगे मुझ पे। इसने स्कूल के बाहर ही पहनूंगा भाई। अब चल राठी राउंड पे, आखिर प्रिंसिपल है तू।
भारी है। इसको स्कूल के बाहर जाके फेंक देते हैं। मतलब छुट्टी ही छुट्टी, कोई देख ना ले। इसको अपनी नोटबुक से कवर करते हैं। गायब घंटी तो छुट्टी ही छुट्टी, घंटी छुट्टी छुट्टी घंटी। पार्टनर इस बॉक्स में रख देते हैं। प्रिंसिपल के ऑफिस में ही रहेगी घंटी। हाँ। अरे छोरो, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? हा? मेरे ऑफिस में। वो सर, आज हम थोड़ा सा लेट आए, इसलिए सॉरी कहने आए थे। सॉरी कहने? ठीक है ठीक है, फर्स्ट पीरियड शुरू हो लिया है, चलो अपनी क्लास में जाओ। इसमें कोई मेरा विग ना देख ले, खिल्ली उड़ जाएगी, नहीं तो इसने छुपा के रख दी। अरे सेकंड पीरियड का टाइम हो गया, अरे जल्दी चलो। हैं? ये घंटी कहाँ गई? लगता है घंटी चोरी हो गई। हमारे रहते चोरी, कहाँ है चोर? ये बात कर रहे हैं, चोरी? घंटी चोरी हो गई। घंटी चोरी? बड़ा अनोखा चोर है भाई, ढूंढो घंटी को। तो श्रवण कुमार बोला, ये नहीं हो सकता। इतने में भरत कुमार आया और ऐसे बोला, आज तुम्हें सबका पीरियड कितना लंबा लग रहा है। हाँ, मुझे भी। अले, सेकंड पीरियड का टाइम हो गया है, अभी तक पटेल दी ने घंटी क्यों नहीं बताई? अरे वाह, आज तो पढ़ाने में बहुत ही मजा आ रहा है, ऐसा लगता है कि जैसे टाइम बीत ही नहीं रहा हो। बहुत बढ़िया। हाँ दुबे सर, आज तो ज्ञान की गंगा बह रही है। पार्टनर, हम भी बुद्धू हैं, हमें घंटी सेकंड पीरियड में छुपानी चाहिए थी। सही बोला पार्टनर, अब हम खुद ही फंस गए। हमारी मदद करो, क्लास को स्टॉप करवाओ, घंटी बजाओ। हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। हाँ, तो कभी भोला प्रसाद का एक उत्तम दोहा हमको याद आ रहा है। कहते हैं, भोला सुन भाई साधो, क्लास खत्म हो गई, घंटी बज गई, टन टन टन। अरे कोई क्लास खत्म नहीं हुई, एक पर्ची फेंकने से क्लास खत्म थोड़ी हो जाएगी। घंटी कहाँ बजी है, चलो पढ़ाई करो। हाँ, तो एक उत्तम दोहा हमको याद आ रहा है। कहते हैं, भोला सुन भाई साधो। पाटिल तू उधर देख, मैं इधर ढूंढता हूँ। हाँ ठीक बोलता है तू, तू उधर ही देख। चल पार्टनर, प्रिंसिपल सर के ऑफिस, घंटी निकाल कर रख देंगे और ये लोग ढूंढ लेंगे। हाँ सही है। अरे डब्बा कहाँ गया? मर गए। कोई आ रहा है, छुप जा टेबल के नीचे। यहाँ से आवाज आ रही थी। अरे कोई नहीं है यहाँ पर, चल घंटी ढूंढते, वरना राठी जी हमारी घंटी बजा देंगे। अरे नहीं मिली क्या घंटी? नहीं सर। अब मना लागे है का एक ही तरीका है क्लास खत्म करने का। वन टू थ्री टन 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 टन। अरे रोटी ना खाई के ऐसे करोगे क्या? टन 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 टन। अरे ये कैसा घंटी है? क्लास खत्म। छोड़ो बालको, किसी बदमाश ने स्कूल की बेल चोरी कर ली है। सब मिलकर ढूंढो उस स्कूल बेल ने, जो ढूंढ के लेकर आएगा उसने मिलेगा खास इनाम। अरे ना भाई, अरे यो बिना चाहे, अरे यो घंटी है के, अरे ये ना चलेगी। चल पार्टनर बाहर चलते, घंटी मिल गई। मिल गई कहाँ? तू एसी पर सर रखकर सो रहा था। अब बाहर चलते हैं, घंटी निकाल कर रख देते कहीं, वो लोग ढूंढ लेंगे। अब क्या करें यार? भाग।
ओरे बाबा, ये क्या? कॉरिडोर में अनअटेंडेड बॉक्स? ना ना ना, उसके पास मत जाओ। पुलिस का वार्निंग नहीं देखा तुम? किसका डब्बा है पता नहीं, हो सकता है बॉम्ब हो। बॉम्ब? अरे हट जाओ हट जाओ, सब दूर हट जाओ। स्कूल में बॉम्ब, स्कूल में बॉम्ब। अरे यार, ये तो स्कूल बेल वाले डब्बे को बॉम्ब समझ रहे हैं। चुप रहे पार्टनर, और मजे देख, हम पकड़े भी नहीं गए और क्लास भी कैंसिल हो गई। अरे ये तो मेरा बॉक्स है विग वाला, अगर किसी ने बता दिया तो सबने पता चल जाएगा कि विग मारी है। अरे कोई बॉम्ब शॉम ना है, मैं चेक करूं इसमें है कि, डरने की बात ना है कोई। अरे प्रिंसिपल है हम। अरे नहीं सर, आप पीछे रहो, हम चेक करता हूँ, आखिर प्रिंसिपल हैं आप। अरे नहीं दुबे, मैं चेक करूँगा भाई, प्रिंसिपल हैं हम। और नहीं सर, आप सीनियर हो, आपकी जान हमारी जान से ज्यादा कीमती है, मैं चेक करूँगा। अरे ना भाई, मैं चेक करूँगा। अरे सर आप क्यों, मैं? अरे बोला ना, मैं चेक करूँगा। जय माता दी। अरे इसमें तो मरा हुआ जानवर है, बिल्ली है या चूहा? अरे ना, वो वीक है, पहना जाता है। कहाँ? ओहो सर पे। क्या राठी सर पे? अरे ना ना, मारा ना आयो। अरे ये तो सर का बाल है। मगर यहाँ कौन गंजा है? हाँ भाई पता ना है किसका है, यो मारी स्कूल में तो कोई गंजा ना है, सभी का सिर पर बाल है भाई। अरे विक पर ही सुई अटक गई, और भी तो देखो डब्बे में क्या है। हाँ, क्या पता स्कूल बेल हो। स्कूल बेल? इसमें तो सच में स्कूल बेल है, और एक कॉपी भी है। और नाम लिखा है बुद्धदेव। तो ये दोनों है स्कूल बेल चोर, और वो जो विग है ना वो मेरे ऑफिस में रखवा दो, लॉस्ट एंड फाउंड में जमा कर दूंगा, जिसका भी होगा आके ले जाएगा मेरे से। चलो अब इन दोनों से निपटते हैं। स्कूल की घंटी बज गई, मगर तुम दोनों बने रहो मुर्गा। बेल तुम दोनों के लिए नहीं बजी, समझो बैल सच में गायब हो गई, और इस बार राठी सर ने खुद गायब की है। जो भी हो, आज स्कूल बैल की वजह से बोरिंग स्कूल में मजा बहुत आया। हाँ, मेगा रॉबर्ट से भी ज्यादा। एकदम लल्लन टॉप।